नमस्कार कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एंड से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है, जिनका ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीजन से वो एक दूसरे से आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और ये 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की, यानी कि महीने के एंड तक की ये रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन को लेकर, और वो उनसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं कैप्रिकॉन को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है, जो कैप्रिकॉन है उन्होंने उनको बहुत दुख दिए हैं, उनकी वजह से वो अब भी उभर नहीं पा रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो परेशानी में है। तो वो अभी अपने आप को थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते को आगे मजबूत बनाना है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, फ्यूचर में कोई परेशानी दिक्कत अगर नहीं चाहिए तो उन्हें सबसे पहले स्पेस देना होगा इस रिश्ते को, और इस रिश्ते को में हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ता तभी मजबूत होगा जब इसमें हीलिंग होगी। तो किसी हीलर से मिल सकते हैं या किसी नॉन पर्सन से मिलकर इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वो थोड़ा सा स्पेस लेते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, और तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। जब उनको लगे कि वो रिलैक्स कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, अब वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है। तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव अगर वो करते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी मजबूत होगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे जाकर कामयाब होगा और नेम और फेम इस रिश्ते से बढ़ेगा। तो काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते से आ सकती है और ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है अगर वो थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और वो तभी बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं जब वो रिलैक्स होंगे और उन चीज़ों से उभरेंगे जिस चीज़ से उनको परेशानी, दुख तकलीफ हुआ है। तो देख लेते हैं वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, जिनसे उनका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन हुआ है। तो देख लेते हैं कि वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते में आगे कोई भी गलती ना की जाए, और जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिले। तो ऐसा वो चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, आगे शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले जब तक इस रिश्ते में परेशानियां चल रही हैं, ये इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग ली जाती और इस रिश्ते में एक दूसरे को न्याय नहीं मिलता, न्यायप्रिय रिश्ता नहीं बनता, तो तब तक वो इस सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, जल्दबाजी इसमें ना करें। क्यों, और जब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ये रिश्ता न्याय, इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं, जो गलत भावनाएं थी वो ख़त्म होंगी,
और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर इसमें आगे बढ़ें और कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करें या रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि घर बनना, घर बसना, ये रिश्ता फ्रूटफुल होना, कामयाब होना, एक फैमिली, एक परिवार बनना, ये सारी चीज़ें हो सके। वो चाहते हैं कि इसमें जल्दबाजी ना करें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, ताकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से न्याय मिल सके, खुशियाँ मिल सके और किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी इस रिश्ते में फिर से ना हो। तो देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे, कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो इस रिश्ते में बन नहीं पा रही है, बन नहीं पा रही थी, तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से, वो यही एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में कि दोनों तरफ से ये रिश्ता स्टेबल हो, प्रिपेयर हो, तैयार हो, और जब तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, तभी इस रिश्ते में एक एक्शन लिया जाए, जब उनको लगे कि इस रिश्ते के लिए वो प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक हो गए हैं, तो तभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए। और तब तक वो अपनी विजडम, अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा, यूनिवर्स में आस्था लगाने चाहते हैं, वो खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों तरफ से वो महसूस कर रहे हैं कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते ये रिश्ता स्टेबल हो, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल हो और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल समय है, जो ऑफिस का समय है, जो काम करने का समय है, उसमें वो अपना काम करें और जो घर का समय है, जो प्यार प्रेम का समय है या पर्सनल टाइम है, उसमें वो अपना टाइम अपने पार्टनर को दें, अपने परिवार को दें, जिसको भी देने की ज़रूरत है उन्हें वो समय दें, वक्त दें। तो इसमें दोनों तरफ से ही वो इक्वलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ता स्टेबल हो, इक्वल हो, दोनों तरफ से बराबर हो और वो चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ वो विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वो अगर कोई मिस्ट्री जानते भी हैं, कोई राज जानते भी हैं, तो वो उसे अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं आती, चीज़ें इक्वल नहीं हो जाती, तब तक वो शांति से इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, चुप्पी के साथ रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पहले अपने आप को, खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें और तभी वो आगे बढ़े, इस रिश्ते में कोई भी वो जल्दबाजी ना करें। या फिर ये भी एक्शन वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न है, वो आगे बढ़े और उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाएं, इसमें कोई एक्शन लेने के बारे में सोचें। तो ऐसा वो चाहते हैं, अपनी तरफ से वो अभी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं कि जल्दबाजी इसमें ना हो, पहले रिश्ते को स्टेबल कर लेते हैं, बैलेंस ले आते हैं और चुप्पी और खामोशी के साथ इन सारी चीज़ों को वो निहारना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनकी तरफ आगे बढ़े और इस रिश्ते में उनके साथ मिलकर एक्शन लें। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न या उनके पार्टनर की ईगो हर्ट हो रही है। तो जो उनको, जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है, वो महसूस कर रहे हैं कि
उनके साथ धोखा हुआ है, विड्रेल हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो वो यूनिवर्स यही चाह रहे हैं कि जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो इस सिचुएशन में तब तक ना बढ़े। और उसके बाद जब ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर कैप्रिकॉन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि अगर वो इंसान वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं। और अगर उनके साथ कोई माइंड गेम खेला जा रहा है, तो वो उस इंसान को जाने पहचाने और उससे वो किनारा करें। और जब लगे कि जो ईगो उनकी हर्ट होनी बंद हो गई है, जो इस रिश्ते में जो कौन वाद विवाद चल रहा है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में था जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा था, तो उसके बाद ही वो इसमें एक सोच समझ कर, रुक कर ठहर कर, सोच विचार करके इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। इस रिश्ते में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना भावनाओं में बहे, एक दूसरे जब एक दूसरे को समझते हुए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके बातें करके अगर एक बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समय आपके फेवर में आ सकता है, चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, रिश्ता स्टेबल हो सकता है। लेकिन जब तक रिश्ता स्टेबल नहीं होगा, जब तक इसमें किसी की भी ईगो हर्ट हो रही है, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनकी पीठ पीछे कुछ उनकी बुराइयां करेंगे, तो कभी भी ये रिश्ता एक नहीं हो पाएगा। भले ही ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान जरूर हार जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को खेलना छोड़ें और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत करें और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ पाए, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है, काफ़ी खुश मन खुश होता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, नमस्ते, थैंक यू।